और यहाँ की जो तपो भूमि है यह साक्षात अपने आप में एक सिद्ध पीठ है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम उदयवीर और आपके अपने वीर बलोक वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ सीकरी मेला प्रसाद कराने। तो दोस्तों, आज भी लोग यहाँ बने रहे और आपको यहाँ के दर्शन कराऊंगा माता रानी। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर मेले में और आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी लड़की भी है। तो दोस्तों, यहाँ से हम दे रहे हैं प्रसाद, ये आप देख सकते हैं, नारियल वगैरह, फूल माला का जो प्रसाद यहाँ पे चढ़ता है दोस्तों, वो हम ले रहे हैं। तो भाई से हमने ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। और अब मेले की तरफ को चलने की तैयारी दोस्तों करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दुकानें दोनों ओर सजी हुई है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और हम अपना प्रसाद लेकर के मैया के दरबार की तरफ चलते हैं। तो आपको भी दर्शन कराएंगे दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग में बने रहे और हम यहाँ के बारे में आपको जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम आगे चले तो यहाँ पे दुकानें सजी हुई है और काफ़ी मेला जो है बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो हम तो सुबह ही सुबह आ गए थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं अभी इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भीड़ काफ़ी दोस्तों रहती है। तो आप देख सकते हैं, हम सुबह यहाँ करीब 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो मैं दोस्तों मेन गेट मंदिर पे श्री महामाया देवी के आ चुके हैं हम, और हम अब प्रसाद चढ़ाने की ओर, माता के दर्शन करने की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं, और अब हम माता मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ का भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना भव्य नज़ारा दोस्तों माता के दरबार का है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माता देवी का जो मंदिर है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं हम भी दोस्तों, लाइन में लग गए हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, माता के दर्शन आप कर सकते हैं। तो हमने प्रसाद वगैरह यहाँ पर दोस्तों चढ़ाया और मत्था टेका, आप भी देख सकते हैं, कर लो माँ के दर्शन। ये हमने अपना प्रसाद दोस्तों दिया और माता की जो भगत जी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने हमारा प्रसाद माता की ओर किया और हमारी अर्जी मंजूर आने की कराई दोस्तों। तो ये आप माता के दर्शन आप भी कर सकते हैं दोस्तों, मैंने भी किए, माथा टेक का यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ के बारे में दोस्तों, श्री महामाया मंदिर सीकरी, जो मोदी नगर के एक छोटे से सीकरी खुर्द गांव में स्थित है दोस्तों, यहाँ नवरात्रों में काफ़ी बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दोस्तों। हरियाणा, पंजाब, मुंबई, चारों तरफ का श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना जिन भाइयों की पूर्ण हो जाती है, वे यहाँ पे आकर प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद यहाँ पे नवरात्रों में काफी भीड़ होती है दोस्तों। मेरा नाम आचार्य देवेंद्र भारद्वाज है और यहाँ सिद्ध पीठ पर एक भगवती के दास के माध्यम से मुझे रखा गया, बोले सच्चे दरबार की सभी भक्तों को जय माता की। आज आप सभी भगवती के प्रांगण में माँ महामाया के सिद्ध पीठ पे आद्य शक्ति जो महामाया है सीकरी खुर्द मोदी नगर और जिला गाजियाबाद के अंतर्गत, यह पावन पवित्र महामाया का दरबार है, बड़ा दिव्य सुंदर अलौकिक दरबार है। इसकी दरबार की विशेषता यह है कि दरबार में अनेक अनेक राज्य से, अलग अलग राज्य से श्रद्धालु गण आते हैं, अपनी भाव निष्ठा और श्रद्धा माता के प्रति रखते हैं। यह पावन दरबार इतना प्राचीन है कि यहाँ की विशेषता और यहाँ की झांकियां और यहाँ की जो तपोभूमि है, यह साक्षात अपने आप में एक सिद्ध पीठ है। तपोमूर्ति ब्रह्मनिष्ठ श्री जालिमगिरी जी महाराज जी ने भगवती की आराधना की और आराधना के माध्यम से ही भगवती ने साक्षात उनको दर्शन दिए। करीबन 450 वर्ष पुराना यह प्राचीन मंदिर है जो विश्व में विख्यात है और भगवती साक्षात एक अपना सुंदर अलौकिक स्वरूप
जो दृश्य प्रतिमा के स्वरूप में यहाँ पे स्थापित है। महाराज जालिमगिरि जी की यह तपोभूमि होया करती थी करीबन 450 वर्ष पहले। तो महाराज जालिमगिरि जी ने यहाँ पे तपस्या की, यहाँ पे चारों तरफ जंगल ही जंगल था और उस जंगल में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई थी महाराज जी की। उनका धुना भी था जो आज भी इस मंदिर के अंतर्गत यह धुना है, और धुने के सम्मुख जो है महाराज जी तपस्या किया करते थे भगवती की आराधना की। और भगवती इतनी प्रसन्न हुई, माता ने साक्षात उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत जो है महाराज जालिमगिरि जी ने माता का घूमट बनवाया। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रसिद्धि प्रचार प्रसार हुआ मंदिर का और अनेक अनेक राज्य से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आने लगे। धीरे धीरे आज इतना विख्यात मंदिर हो गया कि मंदिर का जो प्रांगण है यह भी एक देखने लायक है। और मंदिर में जिस प्रकार से प्रतिमा है, जिस प्रकार से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो उसी प्रकार से भक्त लोग आकर अपनी श्रद्धा के अनुकूल यहाँ पर दान भी देते हैं। और दान देने के उपरांत जो है अपने धन कोष से माँ के प्रति दशांश धन लगाकर इस मंदिर का निर्माण इत्यादि में सहयोग किया करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी हमारी छोटी सी आपको कैसी लगी? आप भी माता रानी के दरबार आकर के माता रानी के दर्शन दोस्तों जरूर कीजिएगा। ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।